संसार नाम संभाले जियो, प्रभाते पूजा करो। हरि आवाम हरि घमण न हो ये जियो, हे 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 जीव अभेल उधरो। अरे जीव अभेल उतर होने सतगुरु करे सिहाय, तनो सासो मिटे भाई जन्म मरण मिट जाए। पाठ कर पूजो हरि ने कटे जमा को जाल, वेद व्यास कति आज को संसार नाम संभाल जियो, प्रभाते पूजा करो। भगवत गीता गाए हे हे, ग्रंथ नहीं गीता समो। पुरमय चेत जाने, अरे भाई लख चौरासी में क्यों भ्रम। लख चौरासी क्यों भोए ने गीता गुण कर ज्ञान, अर्जुन पूछे हरि कही भाई सो समाद समाल। श्याम सदा साते रहे ने मने छापल पाए, पाप सब परले हुए ये भागवत गीता गाए आए हे हे, ग्रंथ नहीं गीता। ये भागवत पूरो रे पुराने, अरे भाई रे सुनिया आई सासो मीट। ये हुए अरथ रोला मैं सिन में मीट। एक किया कर्म सिन में मिटे भाई हुए अर्थ आधार, पारायण पूरी सुने राजा परिषद पहुंचे पार। शास्त्र सुने लाल सुना करना पुर में चेते हजार, हरिदव संवाद को ये भागवत पूरो रे पुरा। अरे सब ना सारी को सारे आए हे, भारे सतगुरु आप सुनाया।
पर हर पाप विकार। जोत हुए जित जावीए, जोत हुए जित जावीए, लीजे शब्द विचार, सुन मन होए के हवन कीजे, होवे मंगलाचार। सबदा सारी को सारे हरे जम्ब गुरु आप सुनाविया। संसार नाम समाले जियो पर भाते पूजा करो। जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। उन अनेक साखियों के अंदर सजनों तीन साखी हजूरी। हजूरी का मतलब, हजूरी का अर्थ होता है कि जिस समय इस साखियों की कवियों ने रचयिता की थी, उस समय गुरु भगवान जाम्बोजी उन कवियों के समक्ष खुद आप हाजिर थे। इसलिए साखी के पीछे कवि ने आपकी छाप नहीं लगाई, अपना नाम नहीं दिया। एक साखी तारणहार थलासिर आयो, दूसरी विष्णु विसार मत जाई रे प्राणी, और तीसरी ये संसार नाम संभाल प्रभाते पूजा करो। संसार नाम संभाल, संसार नाम हजार का है, संसार नाम हजार। परमात्मा का नाम जितना लो, जितना सुमरण करो उतना ही कम है। एक साखी के अंदर कवि केशवदास जी महाराज ने सजनों कहा, ये निसदिन श्वास घटरे मेरा जियो, 621 हजार ये मनुष्य, इस मृत्यु लोक के अंदर तेरे एक दिन के अंदर 21,600 श्वास है, वो दिनों दिन घटती जा रही, कम होती जा रही है भाई। अब एक दिन के अंदर सजनों 21,600 श्वास घटे है, उन 21,600 के अंदर अगर मनुष्य 600 नाव परमात्मा का लेवे तो भी भव सागर से बेड़ा पार है, नहीं तो ये कली काल कलयुग है सजनों। कल नाव कर नाम हाथों का है, जो हाथ से आज करते हैं वो हमें कल देखने को मिल जाता है। कवि कह रहे भागवत गीता गाय ग्रंथ नहीं, गीता समो भागवत, गीता जैसा और कोई ग्रंथ नहीं है। क्योंकि सजनों राजा परिषद ने 7 दिन तक भगवान की ये भागवत गीता सुनी थी और सीधा वो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। कवि कवे कल्पना करे कि संसार के अंदर जन्म लेते समय मनुष्य ने भगवान से जो कवल किया, भगवान से वचन किया कि हे मेरे मालिक, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, कुंभी पाक नरक सजनों माता के गर्भवास को कहते हैं। भगवान जाम्बोजी ने अपनी वाणी में 84 नंबर शब्द में गुरुदेव ने कहा, कुंभी दोरे ऊंदा, कुंभी पाक नरक माता के गर्भ को कहते हैं और इनसे दोरा और कोई नरक नहीं है। क्योंकि सजनों माता के गर्भवास के अंदर 9 मास तक भगवान जीव की परीक्षा लेता है, जिस समय ये जीव दुख पाता है भगवान को कहता है, मेरे मालिक मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, मैं श्वासो श्वास आपका सुमरण करूंगा, रात और दिन आपके नाम का भजन करूंगा और 10 इंद्रियां को वश में करके और मैं आपका भजन करूंगा मैं, लेकिन यहाँ से मेरे को बाहर निकालो। लेकिन सजनों के वे जब 9 मास पूरे होते हैं, वो जीव आत्मा माता के गर्भ से बाहर आती है और इस कली काल की हवा लगते ही और वो जीव आत्मा पलट जाती है। कलियुगी हवा लगते ही और जीव आत्मा आंख बंद मुट्ठी बंद और वाही वाही का रणुकार लगा देती है, भगवान आपसे जो मैंने कवल किया वो तो वही का वही रह गया। गुरु भगवान जाम्बोजी ने कहा, कोई बात नहीं भाई, तू कवल वचन भूल गया,
गुरुदेव ने कहा जीव तड़े को रिज कहने में टू हुआ पर हत सारू। अरे भाई तू जब तक संसार के अंदर जीवित रहेगा मैं तेरे रिजक नहीं बैठूंगा, ये बात भगवान कहते हैं। सजनों भगवान कहते हैं मैं रिजक तेरे घर के अंदर धान की धीणे की दूध की पुत की परिवार की जमीन जायदाद धन दौलत कोई चीज की कमी आन नहीं दूला, लेकिन मुआ परात सारू भाई यहाँ तेरे को घना दिन रहने के लिए नहीं भेजा है, थोड़ा ही दिना वास्ते आयो है, लेकिन ये मृत्यु लोग छोड़ करके और तू जब वापस जाने की तैयारी करेगा बिंटे मेरे भी बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान के वह यमा का दूत आवेला पर वे पकड़ करके ले जावेला। जब कबीरदास जी महाराज के भजन में घना ही दिन सो लियो अब तो जाग, भगवान के भजन में लाग सुकृत काम में लाग वो तेरे काम आवेला। भगवान जामो जी ने कहा विष्णु विष्णु भण रे प्राणी इस जीवन के आवे, इस जीवन के काम आने वाला केवल और केवल एक भगवान विष्णु का ही सुमिरन काम आएगा और कोई काम आने वाला नहीं है। जब कबीरदास जी कहीं कह ये घना ही दिन सोयल जाग मूसा पीर जाग घना दिन सोलियो रे अब तू जाग मूसा पीर जाग पहला सोयो मात कर में उलटे पाँव पसार हो पहला सोयो मात कर में उलटे पाँव पसार बोल वचन कर बाहर आयो भूल गयो कर तार जन्म तेरा हो लिया रे फिर जा अब तो जा घना ही दिन हो गया भगवान के भजन में ला घना ही दिन हो गया। जब तू माता की गर्भवास के अंदर था तूने कबल किया वचन किया कि मैं आपका सुमरण करूंगा भजन करूंगा, लेकिन बार अंधेर पलट गई हो अरे घुड़ला रे हो घुड़ला रे घुड़ला रे घम के आवो नी कुचोरारा श्याम अरे कुचोरारा हे श्याम भूमिया ओए घोड़े असवार कुचोरारा श्याम भूमिया ओए घोड़े असवार घुड़ला रे घम के आवो नी मारा कुचोरारा श्याम रे घम के आवो नी मारा कुचोरारा श्याम अरे ढोल नगारा आज आवो झामर रो झलकार ढोल नगारा बाजिया झालर रो झलकार भूमिया झालर रो झलकार ढोला रे ढपके आवो नी मारा कुचोरारा श्याम ढोला रे ढपके आवो नी मारा कुचोरारा श्याम कुचोरारा श्याम भूमिया होए घोड़े असवार हो कुचोरारा श्याम भूमिया होए घोड़े असवार घोड़े लारे घम के आवो नी मारा कुचोरारा श्याम घोड़े लारे घम के आवो नी मारा कुचोरारा श्याम। हाँ
हरि ओ
किशोर राशा। बोल मेरे नगर की जय हो। खाना बोलो आवाज जय करो। बोला बोले भूमिया जी दादे की जय हो। जय हो जय हो जय हो। विचार है ठीक हो सब राजी खुशी राम राम बड़ी पचाए राम राम। गुडली आई आज वो अटे 5-7 दिन पहला में बाल को फोड़ करी दी कती हटाओ तो नहीं है लाइक मारे बच्चों नहीं है अभी गुडली बालक ही नहीं है आई बाप दी हाजिर है तो शरीर आ नहीं है जी मैं पुकार करी बैठ बैठ तुम भी बैठ जा और है कोई भाई आओ कोई पहला स्थान पर आया बोली बाबे का जी बेटा बात यह है तंदो प्रसाद दूं ठीक है जो तने सारो सामान बनायो वो सामान लेना पड़े रो प्रसाद खा ले ठीक है जड़ माते स्नान कर लियो है आई पूछ रही हूँ मैं ले तो खा लिए कर जा जी ऊपर तो ओणो बागुटी तो आई नहीं ये बाबा लिखुड़ वांग है आंग लिखुड़ है दादा डोलू मारे घर का डोलू मारे के डोलू बंद कराइयो मैं किंग ठेका आगे डोरा बांधा ये तो थारे सरना दादा एक की करो नी इलाज चलो काई बात नहीं है वो फल खाइयो तो सारो काम सही होए किंग तो बस की बात वार तो आज पहला ही बंद करा दिया दादा एक करो जाओ वो सामान लेर बाद में आणो है अंधेरी दूसरी बोलो भूमि है दादे की हो ए दादा मैं जो गुड्डी के उजी को बरचो होणो है बे लोग लुगाई दोनों ही आ रहे हटे आ सको तो आ जाओ दुखिया रख करो आउडा हो बे आओ भाई हाजिर हो बेटा तू आगे आ जा तने देर केड़ा रो वो प्रसाद दियो हो गुड्डी आगे आ जा बेटुआ माते दर्द बतावे गुड्डी बेटा आगे आ जे बैठ जा टे गुड्डी है देखो खड़ी जा बेटा एक एगो अटो में परचो है हे दादा जिंदो दाग दो सबूत है ये गुड्डी के संतान री जोड़ी अटो में परेजी नहीं बीरा भरे दादो साहब खाली बोलो मोनी दादा की जय हो जो अटा आ गयो शक्ति दी तू बेड़ा पार है बेटा खुश रहे जाओ राम राम सबाने राम ही राम दादा। बोलो कुछ और भूमिया जी दादे की जय। यहाँ मेरा नाम जी राजेश पंडित है और मैं दादूपुर रतिया से हूँ। यहाँ दादा भूमिया के दरबार से बहुत अच्छा संबंध भी रखता हूँ विश्वास भी रखता हूँ और मैं यहाँ भजन सत्संग करने के लिए आता हूँ। जब भी भगत जी का आदेश होता है तब मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ
बहुत लोगों के संकट कटते हैं दादा भोमिया जी की कृपा से। बहुत लोगों की मन्नत है, जो मनोकामना है वो भी दादा भोमिया जी पूर्ण करते हैं। और जो यहाँ खाली झोली लेकर के दरबार में आते हैं तो दादा उनकी अवश्य भर करके और उनको भेजते हैं, निराश करके किसी को नहीं भेजते। ये यहाँ दादा की अटूट कृपा है। तो मैं जी राजेश पंडित दादूपुर से, मेरा मोबाइल नंबर 9996604429, दादूपुर से हूँ जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक भक्तजन और हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस दरबार के बारे में? इस दरबार पे जो भी सच्चे मन से आते हैं ना जी, खाली हाथ कभी नहीं जाते जी। एक बार स्थान का नाम बता। ये दादा खेड़े का राउत खेड़ा गांव है जी, दादा भूमिये का धाम यहीं पर है जी। हाँ, डाणियों में जी, गाँव के पास में डाणी है जी। नाम मेरा जी डाणी राउत खेड़ा की है जी। ये अजीत भगत सिंह की जी। हाँ जी। तो आप कितने सालों से आ रहे हैं? मेरे को लगभग 6 महीने हो गए जी। तो क्या फायदा नजर आया? बहुत बढ़िया जी, फायदा है यहाँ पर। पूरे विश्वास से आते हैं? हाँ, पूरे विश्वास श्रद्धा से आते हैं जी। बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। कहाँ से हो आप? मेरा गांव किकराल है जी। किकराल से? हाँ जी।